सो हे गाइस, शुभम हेयर, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप अपनी वीडियो को सजेस्ट में कैसे ला सकते हो और इससे क्या क्या फ़ायदा होता है। अगर आप अपनी वीडियो को सजेस्ट में लाना सीख लेंगे तो आपको इससे बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। आपके वॉच टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। इसको कैसे लाया जाता है, ये सारी बातें आज मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, तो वीडियो को आज तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज, अगर आप अपने वीडियो को सजेस्ट में लाना चाहते हो, पहले तो ये बता देता हूँ कि इनके फ़ायदा क्या क्या है। अगर आपका वीडियो सजेस्ट में आता है, यानी सजेस्ट का मतलब ये हुआ कि अगर कोई वीडियो ऊपर में प्ले हो रहा है तो नीचे में आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारा वीडियो सजेस्ट में आते रहता है, यानी बहुत सारा वीडियो उससे रिलेटेड नीचे में आते रहता है। जब आप कॉमेडी वीडियो देखते हो तो नीचे में बहुत सारा कॉमेडी वीडियो आते रहता है और कहीं 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 ना कहीं आपका वीडियो उसमें आ जाता है। जैसे अगर आप मेरा वीडियो अभी देख रहे हो सकता है नीचे सजेस्ट में मेरा दूसरा कोई वीडियो आ गया होगा, आप लोग उस पर क्लिक करके देख सकते हो। तो इससे होता क्या है, इसका मैं फ़ायदा बताता हूँ। अगर आपका वीडियो सजेस्ट में आता है, अगर आपके लोग ऊपर वाला वीडियो देख रहा है, तो अगर आपके आपके कंटेंट में दम है, यानी यूजर देखना चाहते हैं, अगर नीचे में आपको वो वीडियो मिल जाता है तो लोग आपके उस वीडियो पे भी क्लिक करके उस वीडियो को देखेंगे, जिससे कि आपका व्यू और वॉच टाइम दोनों बढ़ेगा। सजेस्ट में आने से लोग आपके वीडियो को बार बार क्लिक करके देखेंगे, अगर लोग आप में इंटरेस्टेड होंगे तब। ये तो हो गया उनके फ़ायदा। अब इनको ऐड कैसे किया जाता है, यानी कि सजेस्ट में लाया कैसे जाता है, अब इस टॉपिक पर बात करते हैं। सजेस्ट में लाने के लिए आपको सबसे पहले ध्यान ये रखना होगा, आप जब भी अपना वीडियो अपलोड करते हैं, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग लगाते हैं, तो आपको तीनों जगह अपना नाम लिखना है। यानी कि टाइटल में भी नाम लिखना है अपना, यानी जिस नाम से आपका चैनल है उसके नीचे, यानी डिस्क्रिप्शन लिखते हो तो डिस्क्रिप्शन में भी अपना नाम लिखो। यानी ये देखो कि आपका वीडियो किस किस नाम से सर्च किया जा सकता है। अगर जैसे मान लो मेरा तिवारी शुभम है, तो आप लोग नीचे में देख डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो कि मैंने अपना नाम दो तीन तरह से लिख रखा है, ताकि लोग अगर सर्च भी करें तो ऊपर में आए, या फिर मेरा वीडियो के सजेस्ट में दूसरा वीडियो मेरा आए। अगर आप टैग ऐड करते हो तो टैग में अपना नाम एक दो तरह से डाल दिया करो। ये हर वीडियो में वही लिखना है, आप अपना नाम डिस्क्रिप्शन में लिखते हो दो तीन तरह से और टैग जोड़ते हो, सेम ऐसे ही हर वीडियो में आपको करना है। इससे क्या होगा कि अगर आपका वीडियो ऊपर में प्ले हो रहा है तो नीचे में भी आपका ही वीडियो सजेस्ट में आएगा, जिससे कि लोग आपके वीडियो में अगर इंटरेस्टेड होंगे, अगर लोग को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ आपको आपके वीडियो से मिल जाता है, तो नीचे सजेस्ट में आने पे आपके वीडियो को क्लिक करके वो लोग आपके वीडियो को देखेंगे, जिससे कि आपका व्यू और वॉच टाइम दोनों बढ़ेगा, जिससे आपका चैनल बहुत जल्दी ग्रो करेगा। जिस टॉपिक पर वीडियो बनाते हो, पहले उस टॉपिक पर यूट्यूब पर सर्च करके वो वीडियो देख लो और ये देखो कि वो लोग इस कैटेगरी में आप हो, टेक में हो, मोटिवेशनल में हो, वो देख लो। उसके बाद किसी दूसरे का उसी वही वीडियो जाके आप पहले सर्च करके वो वीडियो देखो और ये देखो कि वो लोग किस किस तरह के टैग ऐड किए हैं, तो वही टैग आपको देख के अपने वीडियो में ऐड करना है, यानी अपने वीडियो के टैग में ऐड करना है। इससे होगा क्या कि अगर उसका वीडियो कोई प्ले करता है, का वीडियो उसी से रिलेटेड है, जैसे टेक है, अगर कोई आप टेक वीडियो बनाते हो, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, अगर आप टेक वीडियो बनाते हो और अगर किसी दूसरे का टेक वीडियो ऊपर में चल रहा होता है उसी से रिलेटेड, यानी उस टाइप का रिलेटेड, तो नीचे में सजेस्ट में आपका वीडियो आएगा। इसके लिए आपको करना क्या होगा कि आप अगर आप जिस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहते हो, अगर उस टॉपिक पे ऑलरेडी कोई वीडियो बना चुका है, तो आप उनके वीडियो को देखिए और उनके वीडियो में किस किस तरह का टैग ऐड किया हुआ है, वो टैग को कॉपी करके, यानी कॉपी करके या फिर देख के अपने टैग में ऐड कीजिए। इससे होगा क्या, अगर उनका वीडियो ऊपर में प्ले होगा, यानी प्ले होगा, नीचे सजेस्ट में आपका वीडियो आएगा। इससे आपको फ़ायदा तो मैं बता ही दिया हूँ क्या क्या होगा। अब कुछ लोग बोलेंगे कि अगर उनका वीडियो ऑलरेडी है ही YouTube पे, तो मैं फिर क्यों अपलोड करूँ, तो ये नहीं होता। YouTube पे जितने भी लोग हैं सबका एक्सपीरियंस अपना अपना होता है। अगर कोई मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इस पर ऑलरेडी बहुत सारा YouTube पे वीडियो बन चुका है, मैं इस वीडियो में अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। आप लोग देख सकते हो कि अगर हो सकता है कि मेरा वीडियो इस वीडियो को सजेस्ट में कहीं ना कहीं नीचे आया ज़रूर होगा, नहीं भी आ सकता। अगर आया हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आया है कि नहीं आया है। तो ये सजेस्ट जोड़ने से आपको ये फ़ायदा होता है, जिससे आपका चैनल बहुत जल्दी रैंकिंग कर सकता है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।